इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि हमारे देश का नाम इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अब एनसीईआरटी की सभी बुक्स में इंडिया की जगह भारत का नाम लिखा नजर आ सकता है। दरअसल एनसीईआरटी नई शिक्षा नीति के तहत अपने सिलेबस में बदलाव करने जा रहा है। अब नई पीढ़ी के स्कूलों में इंडिया की जगह भारत का इतिहास पढ़ाया जाएगा। ऐसा अचानक क्यों हुआ? इंडिया की जगह भारत क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, आज हम उसी के बारे में आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, दिस इज एबीजे एंड यू आर वॉचिंग यूट्यूब चैनल एबीजे एक्सट्रीम। दोस्तों, प्राचीन काल में हमारे देश का नाम अलग अलग नाम रखा गया, जैसे जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष। कई इतिहासकारों ने हमारे देश का नाम हिंद, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया रखा। इन सब में सबसे लोकप्रिय भारत रहा। दोस्तों, अगर विष्णु पुराण की बात करें तो उसमें भी लिखा है, समुद्र के उत्तर से लेकर हिमालय के दक्षिण तक भारत की सीमाएं फैली हुई हैं। विष्णु पुराण के अनुसार ही जब ऋषभदेव नग्न होकर अपने गले में बाँट पहनकर प्रस्थान करते हैं तो अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को अपना उत्तराधिकार दिया और उसी की वजह से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब बात करते हैं कि ये इंडिया नाम आया कहाँ से। एक्चुअली दोस्तों, हुआ क्या था कि जब अंग्रेज हमारे यहाँ पर शासन कर रहे थे उसी दौरान उन्होंने सिंधु घाटी को इंडस वैली शब्द कहकर पुकारा था और उसी इंडस से बना इंडिया। और यह कहने में भी आसान होता था, भारत की जगह इंडिया कहना उनके लिए आसान होता था, इसीलिए हमारे भारत का नाम इंडिया पड़ा। दोस्तों, एनसीईआरटी पैनल को ऐसा क्या लगा कि इंडिया की जगह भारत का नाम कर दिया जाए? बात यह थी कि जब 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था उसी के बाद से इसका नाम इंडिया कहा जाने लगा, जबकि विष्णु पुराण जैसे प्राचीन लेखों में हमें भारत का जिक्र मिलता है। ऐसे में समिति ने सिफारिश की है कि सभी कक्षा की बुकों में भारत का नाम अनिवार्य कर दिया जाए। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद यानी ICHR के सदस्य आई इसाक ने यह भी कहा, वर्तमान में हमारी विफलताओं का उल्लेख तो पाठ्यपुस्तकों में मिलता है लेकिन मुगलों और सुल्तानों पर जीत का जिक्र कहीं भी नहीं हुआ है। इस कमेटी ने देश का नाम इंडिया की बजाय भारत का सुझाव दिया है। साथ ही समिति ने यह भी कहा कि एंशिएंट हिस्ट्री की जगह क्लासिकल हिस्ट्री का प्रयोग हो। इससे अंग्रेजों के द्वारा इतिहास के जो तीन टुकड़े हुए थे, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, वह हट जाएगा। बात अब करते हैं कि आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब राष्ट्रपति भवन की तरफ से G20 मेहमानों को डिनर के इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। पौराणिक काल में भरत नाम से कई रेफरेंस मिलते हैं, जैसे राजा दशरथ के बेटे राम के छोटे भाई भरत के नाम पर, नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि के नाम पर और शकुंतला और दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर, जिनका नाम महाभारत में भी है, जिसमें भरत को महाभारत में 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में गिना गया है। भरत को एक चक्रवर्ती राजा यानी चारों दिशाओं को जीतने वाला राजा भी कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया दैट इज भारत में इंडिया शब्द को निकालकर उसकी जगह भारत रहने का विचार प्रस्तुत किया गया है। संविधान से इंडिया शब्द को निकालने की जो कवायद थी उसमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई। याचिकाकर्ता ने एक दलील दी जिसके तहत इंडिया शब्द गुलामी का शब्द है, उसकी जगह भारत या हिंदुस्तान होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर इस केस को खारिज कर दिया कि शुरू में भारत के संविधान में ही भारत का जिक्र हुआ है, हम यह नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत देश का नाम क्या बदलना चाहिए? इंडिया की जगह क्या उसे भारत रखना चाहिए? कमेंट में करके जरूर बताइएगा। चलिए मेरे आने वाले वीडियो का करिए इंतजार, तब तक के लिए नमस्कार।